अलायंस मॉल में, तो GMS रोड के बगल में पड़ता है। हेलो नमस्ते प्रणाम, खुश हैं आप लोग? और मैं भी ठीक हूँ, और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। और स्वागत है आपको मेरे चैनल पहाड़ी साधना में। तो हम पहुँच चुके हैं देहरादून, तीन चार दिन हो गए हैं, तो जिस कारण मैं थोड़ा सफाई में व्यस्त थी आई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। दो चार दिन मुझे थोड़ा, एक दो दिन मुझे थोड़ा मतलब सोना सोना सा लगा, क्योंकि खुले खुले माहौल से आई, एकदम भरे भरे परिवार से आई, तो थोड़ा एकदम एक दो दिन मुझे अच्छा भी नहीं लगा। बिल्कुल सबकी याद आ रही थी, अभी भी मैं सच में सबको बहुत मिस कर रही हूँ। कि दो ढाई महीने का पता, तीन महीने से घर छोड़ रखा था हमने, तो थोड़ा गंदा भी हो रखा था घर। फिर एक दो दिन ऐसे हुआ कि घर का सफाई सफाई की, तो उसी में व्यस्त हो गए। तो जिस दिन हम घर से आए, तो उस दिन हमने क्या किया कि थोड़ा राशन ले आए, थोड़ा साग सब्जी ले आए जो घर में नहीं थी, थोड़ा थोड़ा हम दिन ले आए थे। फिर आज चार पाँच दिन हो गए, तो आज हम मार्केट जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको, वहाँ की वीडियो भी देखना आप। और 6:15 का टाइम हो रहा है, तो इनका फ़ोन आया था मुझे कि रेडी होना और सामान लेने जाएंगे घर का। तो आप देखिए, यहाँ की वीडियो भी देखिए आप, यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर लोकेशन है। जिस साइड हम रहते हैं वहाँ भी बहुत सुंदर है, तो आप यहाँ की वीडियो भी देखिए। मैं कोशिश करूँगी यहाँ की वीडियो भी कोई अच्छी सी, मतलब अच्छा सा कोई लोकेशन हो, कोई चीज़ हो, तो यहाँ की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगी, आप प्लीज़ देखिए। और पहुँच गए हम देहरादून। जैसे हम ससुराल में थे तो वहाँ हम साड़ी पहनते थे, और यहाँ आए तो यहाँ हम अपने हिसाब से पहनेंगे, जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो ससुराल में हम साड़ी पहनते थे, यहाँ तो हम अपनी इच्छा के अपने हिसाब से पहनेंगे। अब यहाँ सूट शाट जो भी पहन सकते हैं, सब कुछ नहीं है। तो अब यहाँ वहाँ पे मुझे साड़ी भी अच्छी लगती है, साड़ी पहनना भी अच्छा लगता है ससुराल में। तो चलो, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे ससुराल में सभी नहीं पहनते, मेरे ससुराल में ऐसे सभी, ऐसा कुछ नहीं है कि ससुराल में हमारा अनिवार्य है कि साड़ी पहनना ही पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरे सास ससुर बोलते हैं कि सूट पहन लो, अब हम बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, हमें साड़ी ही पसंद है, तो पहनते हैं। वैसे मेरे ससुराल में कोई सूट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, ऐसा रोके तो कि कोई कुछ नहीं है किसी का, कि कोई कुछ भी पहन लो। पर मुझे अच्छा लगता है फिलहाल, अभी तक तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं साड़ी पहनूँ। आगे की मैं बता नहीं सकती मैं क्या पहन सकती, आगे सूट भी पहन सकती हूँ। पर अभी जैसे हम दोनों देवरानी जेठानी साड़ी पहनते हैं, तो अच्छा भी लगता है मैं साड़ी में। जैसे मैं यहाँ आई, तो मेरी दो तीन फ्रेंडों ने कहा कि तुम साड़ी में कैसे कर लेते हो काम, कि जैसे सर पे पल्ला रखना और फिर घर का काम करना, वो पता नहीं कैसे हो जाता है। जैसे हम यहाँ भी पहनते हैं साड़ी, तो यहाँ पहनने में हमें भी दिक्कत होती है। जैसे साड़ी पहनते हैं तो यहाँ भी दिक्कत होती है, जैसे कुछ काम करते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जाते समय जैसे हम साड़ी पहनते हैं, तो थोड़ी देर पहनते फिर उतार देते हैं, उसके बाद हम घर का काम नहीं कर पाते हैं साड़ी में। और घर में हम पूरा काम करते हैं साड़ी में, तो कुछ टफ नहीं लगता हमें साड़ी में कि हम कैसे काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता हमने साड़ी पहनी है सूट पहना है, तो उसमें पता भी सच में मतलब कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई टफ काम होगा साड़ी पहनना। वहाँ हमें अच्छा लगता है साड़ी पहनना, और काम करते समय भी कोई परेशानी नहीं होती साड़ी में, तो सब काम इसलिए हो जाता है। तो फिर यहाँ हम, तो यहाँ भी देखिए आप, यहाँ की भी वीडियो मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, जैसे भी मुझे यहाँ टाइम मिलेगा तो वैसे मैं यहाँ भी वीडियो। तो यहाँ से निकल गए हम अब मार्केट की ओर, तो ये आ गए हैं ड्यूटी से, और ये आए, इन्होंने चाय पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया, फिर निकलते हैं हम, क्योंकि महीने भर की राशन लानी है। तो फिर हमने कहा, तो देख सकते हो आप यहाँ भी एकदम हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे आपको यहाँ भी बहुत दिखाई देंगे। सकते हो ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये लड़के, और एक भाई के हाथ में लट्ठी है, वो पीछे से मारते मारते आ रहा है उनको कि भागो। एरिया है ये पूरा,
और ये पहुंचे हम गढ़ी मार्केट। तो लो आप भी गढ़ी मार्केट का नज़ारा देखो। सुनील छोरा है तू सुनील पहुंच गए हैं रिलायंस मॉल में। तो GMS रोड के बगल में पड़ता है ये। और कहाँ गए केविन और केविन के डैडी। ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। तो यहाँ है किचन का सामान, तो यही गए होंगे आगे। तो यहाँ आगे दिख रहे हैं, तो यहाँ आगे होंगे। हाथ हिला रहे कि आगे आ जाओ। यहाँ पर मैं ड्राइवर केविन और केविन के डैडी तो अभी अंदर ही है। देखो कितना अंधेरा हो गया, सामान लेते लेते हमें पता भी नहीं चला टाइम का, बहुत अंधेरा हो गया। और मेरे तो पैर थक गए थे खड़े खड़े होके। अभी बिलिंग कर रहे हैं तो लंबी लाइन लगी थी, तो मैंने कहा मैं निकल जाती हूँ, मैं तब तक गाड़ी में आराम करती हूँ, पैर बहुत थक गए थे। तो केविन और केविन के डैडी अभी लाइन पर लगे हैं और मुझे कहा कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। अभी तो बैक कैमरे से दिखाऊंगी। अंदर सामान लेने में इतने व्यस्त थे कि वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला। और ये आ गया केवी। क्या लाया केवी अपने लिए? तो ये लाया कूल, कूल KOL कूल कॉफी पी रहा केवी अपने लिए स्पेशल लाया। अब चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाना के भैया? रेस्टोरेंट। अब पहुँच गए हम घंटाघर। तो ये हम पहुँच गए यहाँ पे राजपुर रोड पे पहुँच गए हम। तो ये है पार्ट सेकंड, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी।